हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल सर, मैं टीचर फ्रॉम सीरम एकेडमी हाई स्कूल सतना। एंड टुडेस टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे। इसमें आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट नंबर में आपकी बुक में भी दिया होगा कि आपको ये एग्जाम्पल से आपको क्या करना है। आप जब पेज नंबर आप 71 ओपन करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमने इसमें देखिए आपके टू क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए लिखा क्या है, जॉन एंड जिवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मींस जॉन एंड जिवांती ये दोनों के पास क्या है, टोटल 45 मार्बल है। मतलब 45 मार्बल में जो टोटल आ रहा है वो टोटल क्या है, 45 इनके पास मार्बल आ रहा है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर इन दोनों के जो मार्बल है हम 5 मार्बल दोनों के लेस कर दे तो क्या हो जाता है। देखिए दोनों की जैसे हमने मार्बल क्या किया, 5 मार्बल्स लेस कर दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और इनका जब मार्बल जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 124 के वो इक्वल हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि जॉन के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं एंड यहाँ पे जिवंती के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल अगर पूछ दिया जाए, टू नेम जैसे आपने मनी ले लिया है आपके जॉन, जैसे जॉन और यहाँ पे हम लेते हैं आपके देखिए नाम जो है जिवांती, मैंने यहाँ पे दोनों नेम ले लिया, इन दोनों के जो टोटल जो मार्बल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 45 मार्बल आ रहा है। अगर हमें जॉन को पता चल जाए, जैसे हमने जॉन का क्या ले लिया, हमने ले लिया कि जॉन के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल है, एक्स है। अगर दोनों में से किसी एक का अगर हमारा हमें पता चल जाए, जैसे हम लेते हैं जॉन के पास 10 मार्बल है, तो हम 10 को 45 से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे जिवांती के पास कितने मार्बल बन रहे हैं उससे हम बता सकते हैं। क्योंकि ये चीज आपको पता होगा कि अगर दोनों में से आपको ये तो पता है कि दोनों का जो टोटल आ रहा है मार्बल वो टोटल आ रहा है 45। अगर दोनों में से किसी एक के पास अगर हमें पता चल जाए कितने मार्बल है, तो हम सेकेंड को क्या कर सकते हैं, उससे हम सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। तो सेम इसमें मैं क्या करूंगा, जॉन को क्या ले लूंगा, नंबर ऑफ मार्बल x में ले लूंगा। तो सेम मैं x को क्या करूंगा, इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहां पे देखिए जिवांती के पास कितने आ जाएंगे मार्बल, 45 माइनस x आ जाएगा। क्योंकि यहां पे ये बताया जा रहा है कि दोनों के पास जो टोटल मार्बल है, जॉन के पास प्लस जिवांती के पास उनका जो टोटल मार्बल आ रहा है वो कितना है, 45। टोटल के पास मार्बल हो गया। अब दोनों में से अगर किसी एक के पास हमें पता चल जाए, हम या फिर एक को अपने सेलेक्ट ले लें कि दोनों में से किसी एक के पास मार्बल क्या है, एक्स। जैसे मैंने ले लिया कि एक्स, हमें क्लियर हो गया कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं, एक्स है। तो अब मैं एक्स मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, अब मैं जॉन का जो मार्बल है उसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जिवांती का मार्बल हमें पता चल जाएगा कितना है। सेम ये जब नंबर क्या हो, देखिए जिवांती कैसे निकलेंगे, जब मैं 45 को क्या करूंगा, एक्स से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा जिवांती के पास कितने मार्बल हो गए। तो जब कभी आपके ऐसे क्वेश्चन आए, दोनों एक साथ मिलके अगर मार्बल है कुछ भी ऐसी चीज अगर आ रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट, किसी एक को उससे सेपरेट कर दीजिए, अपने सेकंड का क्लियर जाता है कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास आ जाते हैं। देखिए अगर हमने जॉन को लेट ले लिया एक्स, तो जिवांती के लिए हम क्या कर सकते हैं, 45 को हम इससे सेपरेट कर देंगे, हमें किसका जिवांती का पता चल जाएगा। तो सेम हमने यहाँ पे वही किया। अब देखिए हम यहाँ पे लेट राइट करेंगे, देखिए लेट उसको हमको कैसे राइट करना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट द नंबर ऑफ जॉन मार्बल मार्बल्स बी एक्स। मीन्स जॉन के पास कितने मार्बल हो रहे हैं, एक्स, हमने यहां पे लेट ले लिए। सेम ऐसे हमें यहां पर देखिए जिवांती को पता चल जाएगा, लेट द नंबर ऑफ जॉन मार्बल पी एक्स, देन जब जॉन के पास मार्बल कितने हैं, एक्स है, तो जिवांती के पास कितने आएंगे, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स बी
45 माइनस एक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जॉन के पास कितने हैं एक्स मान वाला है, हमने लेफ्ट ले लिया, तो जीवांती का हमें क्या पता चल जाएगा, मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, हमें जीवांती का पता चलेगा कितने जीवांती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स आ रहा है। ये तो हमने यहाँ पे देखिए राइट कर लिया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, अब इसके आगे हम कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, फाइव, अगर मार्बल्स होंगे क्या हो, फाइव मार्बल्स लेस हो जाए बोथ में। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं एंड यहाँ पे जीवांती के पास कितने मार्बल्स आ रहे हैं, ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमें बताना है बोथ ऑफ देम लॉस्ट फाइव मार्बल्स ईच, अगर दोनों के मार्बल में क्या हो, फाइव मार्बल दोनों में लेस हो जाए, लेस हो जाए तो देखिए कैसे हो जाएगा, आफ्टर लॉसिंग फाइव मार्बल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है अगर इनके फाइव मार्बल्स क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, जीवांती के पास कितना बचेगा, टू द नंबर ऑफ जॉन मार्बल इक्वल एक्स मार्बल पहले था, अब फाइव मार्बल लॉस हो गए तो एक्स माइनस फाइव हो जाएंगे, जब यहाँ पे फाइव मार्बल बोथ में लॉस हो गए तो कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस फाइव। सेम ऐसे देखिए जीवांती भी कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीवांती मार्बल इक्वल, देखिए कितना है जीवांती के पास मार्बल, 45 माइनस एक्स है, अब 5 मार्बल हम इसमें लेस कर रहे हैं कितना हो जाएगा, 45 में आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 40 माइनस एक्स। ये हो गया जीवांती के पास क्या हुआ जब 5 मार्बल लॉस हो गए। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना था, एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, means जब ये दोनों काम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, कितना जब दोनों काम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टोटल 124 के इक्वल हो जाता है। नाउ दैट कर दीजिए द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124 है। अब ये दोनों मार्बल्स जिनके पास देखे यहाँ पे जॉन्स एंड जीवांती के पास जो मार्बल है एक्स माइनस फाइव और 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, देखिए हम प्रोडक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर दिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस फाइव यहां पे प्रॉपर राइट कर लीजिए अकॉर्डिंग, अब इनका जब यहां पे क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो कितना इक्वल हो जाएगा 124, तो एक्स माइनस फाइव एंड 40 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 124 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे क्या आ जाएगा 40x, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सेम इनका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 200, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में प्लस 5x, कुल 124 आ गया। अब इसको देखिए हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नॉर्मल जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे सेम उसी में सिंप्लीफाई होगा, माइनस में यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर ने स्टार्टिंग में कर लिया, प्लस 5x और ये प्लस 40 तो कितना हो जाएगा प्लस 45x हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे देखिए माइनस क्या है 200 इक्वल क्या है 124, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, देखिए ट्रांसफर करने में क्या आएगा जब इसको यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे तो
यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये नंबर्स कॉल यहाँ ट्रांसफर करें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए अब यहाँ पे हम इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस क्या आ जाएगा 324 इक्वल जीरो। अब इसमें से आप माइनस क्या ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि माइनस स्टार्टिंग में माइनस है तो माइनस आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, यहाँ पे 45x है इक्वल क्या है जीरो। अब माइनस को आप यहाँ पे ले जाइए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होने में वो चेंज हो जाएगा, माइनस 45x प्लस 324 इक्वल जीरो। ये अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास होते हैं, इनके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका हम देखिए प्राइम फैक्टर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको बताया भी गया है कि प्राइम फैक्टर आपको सॉल्व कैसे करना है। फिर भी आपको यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टर बता देता हूँ, 342 का प्राइम फैक्टर सॉल्व कर लीजिए, किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड कीजिए, इसको क्या आएगा 162, अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा 81, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9। अब देखिए अब हम कैसे इसको नंबर में डिवाइड करेंगे जिनका सॉल्व करने में माइनस 45 पावर है, तो 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का इसमें करेंगे 81 ज्यादा हाई नंबर हो जाएगा तो हमें ये नंबर नहीं चाहिए, नॉर्मल नंबर लेंगे जिसको सॉल्व करने में आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा क्या हो जाएगा 24, 3 3 जा 9 इसको सॉल्व करने में आएगा क्या देखिए 30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इसको ऐड करने में 45 पार है, क्योंकि नंबर इनके जो है सेम 45 को आने चाहिए, क्योंकि जब ये 45 में आएंगे इसके क्या हो जाएंगे वो फैक्टर्स हो जाएंगे। ये चीज यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, देखिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करने में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा क्या होता है 36 होता है, 36 माइनस 9 हम करेंगे तो क्या आएगा 45, ये नंबर्स क्या आएगा हम सॉल्व करेंगे तो 45 भी आ जाएगा और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 324 भी आएगा। तो यहाँ पे हम नंबर ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल जीरो। कॉमन ले लीजिए यहाँ पे x, जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे भी x माइनस 36 आ जाएगा इक्वल हो गया जीरो। ये चीज मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, क्या रहा है यहाँ पे सॉल्व करने में x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल क्या है जीरो। सॉल्व कर लेते हैं x माइनस 36 इक्वल जीरो और x माइनस 9 इक्वल जीरो, ट्रांसफर कर लीजिए तो x इक्वल क्या आ रहा है यहाँ पे 36, x इक्वल 36 और x इक्वल क्या है 9। अब इस केस में देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड की है, मतलब जॉन की जो हमने x किसको लिया था जॉन को लिया था, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ जॉन मार्बल marbles be 36
सिक्स। हम स्टार्टिंग में क्या ले रहे हैं, ये वैल्यू ले रहे हैं। तो जॉन के पास कितने मार्बल हो गए, एक्स हो गए। तो जॉन के पास एक्स मार्बल है। देन जीवांती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, वो हम फाइंड कर लेंगे। देन द नंबर ऑफ जीवांती मार्बल बी क्या था, जीवांती के पास 45 माइनस एक्स है, तो 45 माइनस एक्स जो है क्या पुट करेंगे, 36 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, क्योंकि 50 में आप 6 को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सेपरेट करने में 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 प्लस 6 50, मतलब हमारे पास when the number of John marble be 36, मतलब जब जीवांती के पास 30, John के पास 36 marble होता है, तब यहाँ पे देखिए जीवांती के पास कितने marble हो जाते हैं, 9 होते हैं। सेम ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वैल्यू हमारे पास है, तो when the number of जॉन मार्बल, अब जॉन के पास देखिए कि आपके पास, क्योंकि जॉन की यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, जॉन के पास 2 वैल्यू, ये 36 है और क्या है 9, तो सेम जीवांती के पास भी सेम ऐसे 2 वैल्यू होंगी। जब यहाँ पे जॉन के पास एक्स मार्बल, सॉरी एक्स की वैल्यू डिफाइन किया था, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 9 आ गई। तो सेम ऐसे यहाँ पे देखिए तो जीवांती के पास कितने मार्बल जाएंगे, देन द नंबर ऑफ जीवांती मार्बल इक्वल 45 माइनस एक्स है, तो इसमें आप सब सबट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 45 माइनस 9 इक्वल 36। मींस यहां पे हमें क्या क्लियर हो गया, यहां पे देखिएगा ये इसमें दिया क्या है, इसको आपको कैसे बताना है, ये डिफिकल्ट नहीं है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपके पास देखिए जॉन के पास यहां पे 2 मार्बल आ रहे हैं, एक तो 36 है, मतलब जॉन के पास तो 2 मार्बल भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकता है। और जब जॉन के पास जब 36 मार्बल होगा, यहाँ पे देखिए हमने दे दिया व्हेन द नंबर ऑफ जॉन मार्बल बी 36, तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल हो रहे हैं तो उस कंडीशन में जीवांती के पास कितने मार्बल जाएंगे, 9, क्यों, क्योंकि 45 माइनस एक्स है यहाँ पे, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जैसे मार्बल जैसी बात हो रही है। सेम ऐसे अगर जॉन के पास अगर 9 मार्बल होगा, The number of John Marbles भी 9, x यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9। जब John के पास, क्योंकि हमने x आपके मन में सर यहाँ पे 2 वैल्यू है, मतलब एक जीवांती एक John की नहीं है, हमने जो let लिया है, let के x जो लिया है वो John है, मतलब John के जो मार्बल यहाँ पे 2 आ रहे हैं, एक 36 और 9। सेम ऐसे जीवांती की 2 वैल्यू आएंगी। सेम ऐसे हमने क्या किया, जीवांती को फाइंड कर लिया 9, और सेकेंड जो दिया गया था नंबर ऑफ जॉन मार्बल्स 9 हो गया, तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, इस केस में 36 हो जाएंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, ये आपको सॉल्व करना था, ये आपका वर्गमूल कुछ लॉन्ग हो गया था, पर आपको सेम प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व करना है, आपको बताना है, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे वर्गमूल आपसे प्रॉपर बनना चाहिए, हमको सॉल्व कैसे करना है। तो ये आपको जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या हो गया, वो प्रॉपर पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड का, हम सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको फाइंड कैसे करना है, क्योंकि ये सेम उसी क्वेश्चन के ये वर्ड प्रॉब्लम है। इसको पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके तरह हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इसमें देखिए सेकंड नंबर क्या है, द क्वाड्रेटिक इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, मतलब एक क्या है यहाँ पे देखिएगा, अ क्वाड्रेटिक इंडस्ट्री वो प्रोड्यूस क्या कर रही है, नंबर ऑफ टॉय, मतलब वहां पे एक छोटा सा, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेट मतलब क्या हो जाएगा, एक छोटे से जो काम जो होते हैं, मतलब टॉय वाले हो गए और भी ऐसे जो कॉटेज हो गए, उसमें क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ टॉय वहां पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं सेम इन अ डे। अब यहाँ पे डे की बात हो रही है, मतलब और या फिर मंथ या फिर ईयर की बात नहीं, यहाँ पे क्या हो रही है, ईच डे डे की बात हो रही है, मतलब डे में वन डे में कितने नंबर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉय किए जा रहे हैं, अब उनकी कॉस्ट प्राइस भी होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, द कॉस्ट ऑफ
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब यहाँ पे ईच टॉय की यहाँ पे जब देखिए टॉय वहां पे बनाए भी जा रहे हैं, तो ईच टॉय की वहां पे क्या की जा रही है, उसकी प्राइस भी है। क्या प्राइस देखिए इन रुपए में, इट वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। मतलब वहां पे आपकी जो कॉस्ट प्राइस दी जा रही है वो डायरेक्ट यहाँ पे बताई नहीं जा रही है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक यहाँ पे नॉर्मल के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि उसकी जो द प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज मीन्स हो गया इक्वल फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। सेम वही डे की बात हो रही है इसमें भी, वन वन डे की। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज। अब टोटल प्रोडक्शन ऑफ, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे पता क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ टॉय कितने हैं। नंबर ऑफ टॉय देखिए क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ये हमें पता भी नहीं है। और नंबर ऑफ टॉय भी यहाँ पे हमें क्या है, क्लियर नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टॉय है। तो जो यहाँ पे हमको फाइंड करना है, जैसे क्या फाइंड करना है, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय। तो लेट हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ द टॉय हमको जो फाइंड करना है वो चीज हम यहाँ पे लेट ले लेंगे। इससे क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस दी है, जैसे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ये तो दिया है, वॉज लगा है, मींस इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, टू बी 55 माइनस का साइन और नंबर ऑफ टॉय भी आ जाएगा। मतलब यहाँ इस समझ, अगर हम नंबर ऑफ टॉय को लेट ले रहे हैं तो उससे हमको कॉस्ट भी पता चल जाएगी। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट सॉल्यूशन लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स। मतलब नंबर ऑफ टॉय ने क्या ले लिया यहां पे, एक्स ले लिया यहां पे बी एक्स। अब यहां पे देखिए क्या हिंट है, यहां पे क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यहां पे देखिए वॉस लगा है, तो हमें क्या पता कि यहां पे मिल रहा है हमें द कॉस्ट ऑफ, राइट कर लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय वॉस मीन हो जाएगा यहां पे इक्वल पाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, राइट कर देते हैं यहां पे, देखिए क्या रहे, द नंबर ऑफ टॉय कितने यहां पे नंबर ऑफ टॉय हो रहे हैं। अब यहां पे हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय हमें क्लियर भी है, नहीं पता है, तो सेम हम यहां पे राइट कर देते हैं, टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय। आप देखिए नंबर ऑफ टॉय हमने क्या लिया है, लेफ्ट हमने ले लिया यहां पे, एक्स ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ टॉय भी हमें पता चल गया एंड उसकी कॉस्ट प्राइस जो है 55 माइनस एक्स दी है ईच टॉय की। अब यहाँ पे आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर यहाँ पे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टोटल मीन्स हमको ये और ये दोनों का ऐड करना पड़ेगा क्या। अब देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर यहाँ पे आपको ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ, ये सब आपको रफ वर्क में समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक चीज यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन के लिए होगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल दिया है तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बट इस केस में प्लस नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टॉय, सपोज हमने ले लिया नंबर ऑफ टॉय हमने क्या ले लिया, 20 ले लिया, 25 कि नंबर ऑफ टॉय क्या है हमारे पास, 25 क्या हो गया, ये टॉय हो गया, नंबर ऑफ टॉय क्या हो गया, 25 हो गया। अब इससे हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, ईच की, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहां पे देखिए कॉस्ट प्राइस क्या जाएगी, ईच टॉय, हमने ईच टॉय यहां पे टॉय आ जाएगा,
पी स्क्वायर की कॉस प्रेजेंट ले रहे हैं 5। अब आपको ये बोल दिया जाए कि आपको नंबर ऑफ टॉय आपके पास 25 है और ईच की कॉस्ट प्राइस क्या है 5। टोटल कितनी कॉस्ट प्राइस हो गई? टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब ये ईच टॉय मतलब 1 टॉय की कॉस्ट प्राइस क्या है 5 रुपीस है। तो सेम 25 टॉय की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, 25 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तभी आपको 25 मतलब टोटल इसकी कॉस्ट प्राइस पता चलेगी। तो कैश के लिए हमने प्लस किया नहीं किया, क्योंकि इसमें आपको पता है कि आपको रुपीस कैसे पता चलेगा कितने कॉस्ट आपके लिए। जैसे नंबर ऑफ टॉय हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ टॉय 25 ले लिया और ईच टॉय की प्राइस क्या है 5 रुपीस है, मतलब 1 टॉय की क्या हो गई प्राइस 25 हो गई। तो सिमिलरली ऐसे 25 कॉस्ट टॉय की क्रॉस प्राइस क्या हो जाएगी? तो इसलिए आपको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 टॉय हो गए और ईच टॉय की प्राइस क्या है 5 रुपीस, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसमें भी हमको क्या करना है, यही बताना है कि हमारे पास नंबर ऑफ टॉय क्या है x है और इसकी कॉस्ट प्राइस की क्या दी है 55 - x। तो हमको टोटल इसकी कॉस्ट प्राइस बताए, तो हम कैसे बताएंगे जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस, ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था कि नंबर ऑफ टॉय 25 है, ईच की कॉस्ट प्राइस का 5 है, 25 की कॉस्ट प्राइस टोटल निकालने के लिए हम इसके लिए मल्टीप्लाई यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट कर देते हैं। देखिए इसके आगे हम कैसे यहाँ पे राइट करेंगे, कैसे हमको यहाँ पे राइट करना है। देखिए इसके आगे का यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट कर लिया हूँ, क्या है, इट इज गिवन दैट टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन वाज क्या था, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीस था, तो 750 हो गई। कैसे आएगा ये, नंबर ऑफ टॉय और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की जो कॉस्ट प्राइस होगी ये है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। आप देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ये राइट है, यहाँ पे ये राइट कर दिया। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या है, यहाँ पे द नंबर ऑफ टॉय एक्स, द नंबर ऑफ टॉय ये एक्स हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्स वन पे ऐसे आप करेंगे क्या जाएगा 55x माइनस एक्स कैसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल 750। हम ऑल ये जो नंबर है इनको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल आ गया 0। अब ये देखिए क्या है, ये किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो इनको हमको क्या करना है, फैक्टराइज फाइंड करना है। फैक्टराइज करके हम वैल्यूज की फाइंड करेंगे। देखिए इसके लिए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी आ रही है, फिर आप इसको चेक भी कर सकते हैं 750 है, तो इसको देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 35x माइनस 20x से जब इसको हम सॉल्व करें तो क्या है 35 आएगा। आप यहाँ पे चेक भी करके देख सकते हैं, फिर इसको चेक कर लेते हैं क्लियर हो जाएगा। चेक करने के लिए क्या आ रहा है 750, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 × 5, 5 × 35, 5 × 0 आ गया। चेक कर लीजिए 5 × 5, 2 बचा यहाँ पे तो 5 × 35 = 10। सेम इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 5 × 15, 5 × 0 बगैर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 × 6 = 3 से डिवाइड होगा 2 × 2 = 1। चेक कर लीजिए देखिए किससे आएगा ये करने पे 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 5 × 5 = 30 और 25 आ रहा है। यहाँ पे हम क्या ऐड कर लेंगे 30x - 25x प्लस 750 = 0 आ गया। इसको हम चेक कर सकते हैं, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा और इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 750 आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए इसमें से, देखिए जो कॉमन रहा है, क्योंकि आपको फैक्टर्स बताया भी गया है इसलिए आप उनसे बनता नहीं होगा ये। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हम 25 कॉमन लेंगे क्या जाएगा x माइनस 30 = 0। इससे वैल्यू फाइंड कर लीजिए, के वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, कि ये रफ वर्क के लिए था यहाँ पे हम फैक्टराइज इसको, x माइनस 30 और ये x माइनस 25 हो जाएगा इक्वल क्या है 0। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ x माइनस 30 = 0 और x माइनस 25 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो x = 30 और x
इक्वल 25 माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे राइट क्या करेंगे एंड। अब यहाँ पे जो हमने लेट लिया था हमें क्या फाइंड करना था, द नंबर ऑफ टॉय हमें फाइंड करना था, तो टॉय की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2 आ गई, जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया था जॉन एंड जिमांती में 2 वैल्यू आई थी, तो फैक्टोराइज में 2 वैल्यू आती है, तो राइट क्या करेंगे देखिए हैंस द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस आर 30 एंड 25, मतलब कितने नंबर ऑफ टॉय कितने बन रहे हैं 30 एंड 25 बन रहे हैं ईच डे। अब इनकी कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, हम ओनली हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था नंबर ऑफ टॉय, तो नंबर ऑफ टॉय क्या हो गया यहाँ पे फाइंड हो गया है। जो रिमेनिंग जो इस टाइप के जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपके एक्सरसाइज में सेम इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, और वर्ल्ड प्रॉब्लम आपको तो और भी ज्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि इसको आपको क्या करना पड़ता है पार्टिक इक्वेशन आपको कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको ये फैक्टराइज करना है, तो ये आपसे क्या होना चाहिए प्रॉपर आपसे बनना चाहिए। अब आपके माइंड में एक और आ रहा हो कि सर आपने यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया है, बट अगर इसको हम किसी और मेथड से करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए जब ये आपके एग्जाम में आते हैं तो हमें एग्जाम में तो क्लियर नहीं रहता कि ये किस एक्सरसाइज का है, तो इसका हम फैक्टराइज अब कर लेते हैं या फिर आप किसी और भी मेथड्स कर सकते हैं जो आपने 4 चैप्टर आगे कंप्लीट कर लिया हो, तो आप जो एक्सरसाइज है अभी उसी एक्सरसाइज से सॉल्व कीजिए। जैसे आप 4.2 सॉल्व कर रहे हैं तो 4.2 में क्या दिया है फैक्टराइज दिया हुआ है, तो फैक्टराइज से कीजिए। 4.3 में आपका दिया होगा फॉर्मूला मेथड, तो आप फॉर्मूला मेथड से कर लीजिए। कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड कीजिए। जब आपका एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसमें एक गिवन रहता है कि आपको कौन से मेथड का यूज करना है, अगर नहीं दिया रहता तो आप अपना मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यहाँ से मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके थैंक यू स्टूडेंट।